बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी। अब जो कॉप का दिमाग था उसने सोपी के बारे में सोचा भी नहीं। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। जो आदमी विंडो का कांच तोड़ रहे हैं क्या वो पागल है जो वहां खड़े रहेंगे? वो तो रुकेंगे भी नहीं और ना वो कॉप से बात करेंगे। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, और जितनी तेजी से वो भाग सकते हैं वो वहां से भाग जाएंगे। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग। तभी कॉप को जो है एक आदमी दिखा जो सामने रास्ते से भागा जा रहा था। ही रैन आफ्टर हिम, और वो जो कॉप है उसके पीछे दौड़ लिया। एंड सोपी सिक एट हार्ट वॉक्ड स्लोली अवे। ही हैड फेल्ड टू टाइम्स। अब सोपी को जो है फिर बड़ा दुख हुआ और वो फिर चुपचाप जो है धीमे धीमे चलता हुआ वहां से चला गया। अब उसे ऐसा लगा कि उसने जो है अपने इस मौके को दो बार गंवा चुका है। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। अब स्ट्रीट के दूसरी तरफ एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। जैसा उसने ब्रॉडवे पे देखा था वैसा नहीं था। द पीपुल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। और जो लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे थे वो उतने ज्यादा रिच नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। ना ही उसका जो फूड था वो बहुत अच्छा था। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड स्टॉन क्लोथ एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। अब जब सोपी ने उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने की कोशिश की अपने फटे जूते और फटे कपड़ों के साथ तो उसे किसी ने रोका ही नहीं। ही सेट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर। और फिर वो जाके वहां पर टेबल के लिए उसने बुक करी या उस पर बैठ गया और फिर फाइनली क्या हुआ उसने अपना जो बड़ा सा डिनर ऑर्डर किया था उसे उसने खाना शुरू कर दिया। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही सेड दैट ही हैड नो मनी। और जब उसने खाना खा लिया तब उसने बोला मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप सेड सोपी एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। तो उसने कहा सोपी ने जाओ भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है ऐसा करो जाओ फटाफट और क्या कहते हैं कॉप को बुला लो और मेरे को ज्यादा इंतजार मत कराओ। नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर। ही कॉल्ड अनदर वेटर। आपके लिए कोई कॉप नहीं है सर। उसने एक दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। और उन दोनों वेटर्स ने जो है उसको कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। अब वो फिर बेचारा चुपचाप उठकर खड़ा हुआ और अपने जो कपड़ों पे धूल लग गई थी उसे झाड़ने लगा। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। अब तो उसको जेल जाने का बस एक अच्छा सपना ही लग रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। और जो आइलैंड जिसपे वो जाने की सोच रहा था अब वो उसे दिन पर दिन और दूर होता हुआ दिख रहा था। अ कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉक्ड अवे। अब एक कॉप जो है बिल्कुल पास में जो खड़ा था वो भी हंस के वहां से चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। अब सोपी फिर चलने लग गया। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स। अब जहां वो रुका वहां आसपास बहुत सारे थिएटर थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स। अब जिस शहर के जिस कोने में वो खड़ा था या जिस पार्ट में वो खड़ा था वहां की जो स्ट्रीट्स थी यानी जो सड़कें थी वो और ज्यादा चमकदार थी और वहां के लोग और ज्यादा खुशनुमा थे बजाय और जगहों के। वुमेन एंड मेन इन रिच वार्म क्लोथ्स मूव्ड हैपिली इन द विंटर एयर। और चाहे वो मेन हो या वुमेन वो अपने अच्छे बड़े महंगे वार्म क्लोथ्स को पहनकर सर्दी की एयर का मजा ले रहे थे। अ सडन फियर कॉट सोपी। अब अचानक से ही ना एक डर सा सोपी को लगा। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। क्या मुझे कोई पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करेगा। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर। फिर वो जो है एक ऐसे कॉप के सामने आया जो एक थिएटर के सामने खड़ा था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। उसने सोचा चलो मैं यहां आकर कुछ करता हूँ। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। अब वो जो है जोर जोर से चिल्लाने लग गया जैसे समझ लो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा हो। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। और वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था जैसे मतलब उसकी जितनी गले से निकल सकती थी आवाज तेज उसने उतनी निकालने की कोशिश की। ही डांस्ड ही क्राइड आउट। और वो जो है कभी नाच रहा था कभी रो रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था।
And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him. अब कॉप ने जो है पीछे मुड़ के सोपी की तरफ अपनी पीठ करी और एक बगल में जो उसके आदमी खड़ा था उससे बोला, It is one of those college boys. He won't hurt anything. We have orders to let them shout. उसे लगा कि इनमें से कोई ये कॉलेज का लड़का है और हम इसको जो है जरा सा भी परेशान तो ये कुछ करते नहीं है और हम लोगों को ये ऑर्डर दिए है कि इनको चीखने दो या चिल्लाने दो जितना इनकी मर्जी है. सोपी वॉज क्वाइट. वॉज नॉट नो कॉप गोइंग टू टच हिम. अब सोपी फिर चुप हो गया. उसे ये लग रहा था क्या मेरे को कोई भी पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा. ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आईलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार. अब वो ये सोचने लग गया कि अब तो लगता है आईलैंड बिल्कुल इतना दूर होता जा रहा है जैसे सपोज मैंने तारों को मांग लिया हो. ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम. द विंड वॉज वेरी कोल्ड. और उसने जो है अपने एक जो उसका पतला सा कोट था उसे ढंग से पहन लिया क्योंकि बाहर जो है हवा बहुत ठंडी चल रही थी. देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर. फिर उसने एक आदमी को देखा जो शॉप से न्यूज़पेपर खरीद रहा था. द मैंस अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. और उसका जो अम्ब्रेला था यानी जो उसका छाता था वो डोर के किनारे रखा था. सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक स्लोली अवे. सोपी जो है वो धीरे से शॉप के अंदर घुसा उसका अम्ब्रेला उठाया और धीमे धीमे चलने लग गया. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. अब वो जो जिसका छाता था वो आदमी जो है उसके पास तेजी से आया. माई अम्ब्रेला ही सेड. उसने बोला अरे ये मेरा छाता है. ओ इज इट सेड सोपी. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. आई टुक इट योर अम्ब्रेला. अच्छा ये तुम्हारा छाता है. तुम ऐसा करो पुलिस को बुला लो. मैंने तुम्हारा छाता ले लिया है. तुम्हारा छाता है ये. व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप. तुम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे. देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. देखो वहां कॉर्नर में एक पुलिस वाला खड़ा है. जल्दी से उसको बुला लो. द मैन वॉक्ड मोर स्लोली. अब वो आदमी और धीरे चलने लग गया. सोपी डिड द सेम बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. द कॉप लुक्ड एट द टू मैन. अब सोपी ने जो है फिर वही काम किया क्योंकि वो आदमी धीमे धीमे चल रहा था तो सोपी ने उसका फिर छाता ले लिया. बट उसको ये लग रहा था कि लगता है ये वाला भी मेरा प्लान फेल हो जाएगा. पर जो कॉप था उसने आगे जो है उन दोनों आदमियों को देखा. आई सेड द अम्ब्रेला मैन दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन दैट इफ दैट्स योर अम्ब्रेला. वो अम्ब्रेला मैन ने बोला कि मैं जैसा कि तुम जानते हो चीजें हो जाती हैं कि जैसे ये तुम्हारा अम्ब्रेला है. आई एम वेरी सॉरी आई फाउंड इन दिस इन अ रेस्टोरेंट. इट्स इफ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल. अरे मैं आई एम वेरी वेरी सॉरी एक्चुअल में मुझे ये जो छाता था ये रेस्टोरेंट में मिला था और तुम कह रहे हो तुम्हारा है तो हो सकता है भाई ये तुम्हारा ही हो. इट्स माइन क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस. अब सोपी ने बोला हाँ ये मेरा ही छाता है. अब उसे गुस्सा आ रही थी कि अरे बताओ मैं सोच क्या रहा हूँ ये हो क्या रहा है. द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे. और वो अम्ब्रेला मैन जो है वहां से जल्दी से चला गया. द कॉप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. कॉप जो है एक लेडी की मदद कर रहा था सड़क की दूसरी तरफ. सोपी वॉक्ड ईस्ट. अब सोपी जो है ईस्ट डायरेक्शन में चलने लग गया. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट. और उसने छाते को उतनी दूर फेंका जितना उसमें ताकत थी. ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम. अब वो अपने आप से बातें करता जा रहा था कॉप्स के बारे में सोचता जा रहा था और उनके बारे में ये सोच रहा था कि मैं कॉप्स को कैसा समझता था. बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग. अब उसकी मर्जी ये हो रही थी उसकी इच्छा ये थी कि कोई मुझे आके अरेस्ट कर लो. लेकिन सबको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कहीं का राजा है और वो तो कोई गलती कर ही नहीं सकता. एट लास्ट Soapy came to one of the quiet streets on the side of the city. Finally, Soapy चलते चलते जो है शांत सड़कों पे आ गया जो कि एक सिटी के साइड्स में थी यानी कोने में थी. He turned here and began to walk south towards Madison Square. अब वो फिर यहाँ पर आकर मुड़ा और चलने लग गया साउथ की तरफ जहाँ पर Madison Square था. He was going home, although home was only a seat in the park. अब वो जो है घर जा रहा था और घर क्या था उसका पार्क में एक बेंच जिसपे वो सोता था.
बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड। पर एक कोने में जहाँ बिल्कुल चुपचाप सुनसान था, सोपी जो है वहाँ रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ उसका बचपन बीता था, ये उसका बचपन वाला घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, जब उसने क्या कहते हैं विंडो से देखा तो अंदर एक बहुत हल्की सी रोशनी हो रही थी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वो जो है उसका लिविंग रूम था, वेर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ उसने बहुत अच्छा शांत समय गुजारा था। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपी ईयर्स एंड सीम्ड टू होल्ड हिम देयर, उस घर से जो है एक बहुत अच्छे म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, तो जैसे ही वो सोपी के कानों में पड़ी उसको सुन के वो वहीं पर रुक गया। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, आसमान में चांद निकला हुआ था जो बहुत ही चमकदार और शांत था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, और वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, और इतनी शांति थी कि बर्ड्स जो ऊपर से चिचड़ा रही थी या चहचहा रही थी उनकी भी आवाज़ जो है उसे सुनाई दे रही थी। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, अब जहाँ से वो म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी उस कमरे से सोपी वहीं रुक कर खड़ा हो गया। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि वो उस म्यूजिक को बहुत पहले से जानता था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स, अब वो अपने पुराने समय को सोचने लग गया जब उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ थी, हर तरफ खुशियाँ थी, फूल थे, बहुत ऊंची ऊंची डिज़ायर्स थी, उसके दोस्त थे, उसके बहुत अच्छे विचार थे, साथ ही साथ बहुत अच्छे वो कपड़े पहनता था। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, एकदम से उसको ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा में ना एक परिवर्तन आ गया है। ही सॉ विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, और फिर उसके एक मन में डर आ गया कि आज उसकी लाइफ कैसी हो गई है। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज हिज रॉन्ग डिजायर्स हिज डेड होप्स द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, फिर उसके दिमाग में वो सब बातें आने लग गई कि उसके साथ कैसे उसकी परेशानी हुई, उसके दिन खराब हुए, उसकी जो इच्छाएं थी वो गलत हो गई, उसकी होप्स फुलफिल नहीं हो पाई, और उसका अपना जो एक मेंटल बैलेंस थी या उसकी जो मेंटल पावर थी वो सब धीमे धीमे खत्म होने लग गई थी। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, फिर एक ही पल में उसे ऐसा लगा जैसे वो समझ में आ गया है कि उसके क्यों ऐसे दिन हैं, क्यों उसकी सोल में ये चेंज आया है। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, उसको अपनी इस आज की कंडीशन को चेंज करने के लिए लड़ना होगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और उसको अपनी जो पुरानी चीज़ें थी उससे फिर ये एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपने आप को फिर उभारना होगा और मुझे फिर से जो है अपनी एक लाइफ को फिर से एक अपने आप को अच्छा इंसान बनाना होगा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, अभी भी समय था, काफ़ी यंग था वो। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ एंड फॉलो इट, आज भी वो अपने उस पुराने पर्पज़ को, उसका जो लाइफ का एम था उसको अभी भी वो पूरा कर सकता था। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, उस पुराने म्यूजिक को सुनते ही उसको फिर अपनी पुरानी बातें याद आ गई और उसने अपने आप को बदलने की कोशिश की। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, और उसने सोचा कल से जो है मैं एक काम ढूंढूंगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक बार उसे एक किसी आदमी ने जॉब भी ऑफर करी थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, और उसने सोचा कि अब जो है मैं कल उस आदमी को ढूंढूंगा। ही वुड बी Somebody in the world, कोई तो होगा दुनिया में जो मुझे काम देगा। He would, Soapy felt a hand on his arm, और वह जब ऐसा सोच ही रहा था तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है। He looked quickly around into the bored face of a cop, और जैसे ही उसने पीछे देखा तो उसे जो है एकदम से पुलिस वाला नजर आया। What are you doing hanging around here? asked the cop. तो जो पुलिस वाला था उसने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों घूम रहे हो? नथिंग, सेड सोपी। सोपी ने कहा, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा,
यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप। अब कॉप ने कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम पे भरोसा करूंगा? फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू। अब क्योंकि सोपी जो है उस बिल्कुल चेंज हो चुका था, तो उसने जो अब उस पुलिस वाले से आर्ग्यू करना शुरू किया। एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप। और ये तुम लोग को पता ही है कि न्यूयॉर्क के जो कॉप्स हैं या पुलिस वाले हैं, उनसे आर्ग्यू करना ठीक नहीं होता। कम अलॉन्ग, सेड द कॉप। और कॉप ने क्या कहा, चलो मेरे साथ चलो। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, वही हुआ जैसा सोपी चाहता था पहले, कि उसको 3 महीने की जेल हो गई ब्लैकवेल आइलैंड में, क्योंकि उसे पता था पुलिस वाले पकड़ेंगे तो जज के पास ले जाएंगे, जज मेरे को जो है यही सजा सुना देगा। तो अल्टीमेटली फिर वही हुआ, जब वो कहता था कि मैं प्रिजन चला जाऊं तो पुलिस नहीं पकड़ रही थी, जब उसने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी तो पुलिस पकड़ के ले गई। तो जैसा हमने स्टोरी के शुरू में ही पढ़ा था कि हम कई बार ऐसा होता है जो चीज़ सोचते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। तो बच्चों, स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।